अगर आपके बीच में एक नाला है और आपको उसको पार करना है, आपने डिसीजन ले लिया कि मैं कूदूंगा, आप कूद गए, बीच में जाकर बोले नहीं कूदता तो कहाँ जाओगे? नाले में। तो या तो कूदना है या तो नहीं कूदना है। बीच में हमारे कुछ नए जो हमारे थल सेना के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने ये खाली एक वर्ड कहा था कि अगर सामने से गोली आई तो यहाँ से गोला जाने वाला है। उसके बाद में थोड़ी प्रतिशत मात्राएं कम हुई गोलियों की, और अभी बॉर्डर से तो गोलियां चलती ही नहीं, हमने तो समाचार में अभी सुनने में नहीं मिलता है। सुनने मिलता है क्या? क्योंकि यहाँ से गोला जाता है, हवा में उड़ के भी जाता है और लोग ले लेके भी अंदर घुस जाते हैं। तो डर होना चाहिए, डर अच्छी बात है, लेकिन किस में? खुद में हो तो बुरी बात, सामने वाले में हो तो अच्छी बात। अब कितने लोग खुद डरते हैं? कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। अरे ये डर ही तो है, मैं किसी को बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा, अरे वो क्या सोचेगा, ये भी तू ही सोचेगा तो फिर वो क्या सोचेगा। रिजेक्शन से डरते हैं। नो, मैंने उसको प्लान बताया, उसने ना बोल दिया, दूसरे को बताया, उसने भी ना बोल दिया, तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है? वो उसके लिए प्रॉब्लम है, तेरे लिए प्रॉब्लम थोड़ी। आप सभी लोग जोर से बोलो नो। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो नो, जोर से बोलो नो। मेरा तो एक बाल भी खड़ा नहीं हुआ, और उसके तीन चार नो सुनने से आप रूस के बैठ जाते गुब्बारे की तरह, मेरे को नहीं करना है। अबे मोतीचूर के लड्डुओं का काम नहीं है ये, जो हाथ में लेते ही फूट जाते, अबे मुंह तक तो जाने दे। स्मार्ट बन जाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, मार्केट में निकलते हो और देखते हो कि लोग मुझे ही देख रहे होंगे। अबे गलत फहमी छोड़ दे, कोई नहीं देख रहा तुझे, देखते उसी इंसान को है जिसको वो फॉलो करना चाहते, और फॉलो उसी इंसान को करते हैं जो काबिल होता है। खूबसूरत इंसान तो बहुत है मार्केट में लेकिन सक्सेस नहीं है, काले बहुत है मार्केट में लेकिन सक्सेस नहीं है, गोरे बहुत है मार्केट में लेकिन सक्सेस नहीं है, समझदार बहुत है मार्केट में लेकिन सक्सेस नहीं है, पागल लोग है मार्केट में लेकिन सक्सेस नहीं है। सक्सेस कौन है? जिसके अंदर एटीट्यूड है, किसी चीज को करने का एटीट्यूड अगर उसके अंदर है, करने का तरीका अगर उसके पास में, वही सक्सेस है। तो जीवन में 90% जो काम करेगा वो आपका एटीट्यूड काम करने वाला है। शेर के पास क्या होता है? क्या उसको कोई जंगल के हाथी, चिड़िया, मोर और क्या बहुत सारे जानवर हैं, क्या उसको बोलते कि शेर साहब आप आओ, जंगल के राजा आज से आप हो? कोई बोलेगा या किसी ने बोला? लेकिन शेर ने वो सिंहासन खुद लिया कि दूसरे ने दिया उसको? वो जब चलता है तो दूसरे जानवर सहमे हुए से क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि उसका अपना एक एटीट्यूड है। चाहे हाथी कितना बड़ा है, जिराफ कितना लंबा है, चालाक लोमड़ी है, लोमड़ी चालाक है, लेकिन फिर भी शेर का क्यों चलता है जंगल में? उसी को राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका अपना एक एटीट्यूड होता है, उसे कोई छेड़ नहीं सकता। ऐसे ही आप सभी लोगों को शेर नहीं बनना है, लेकिन एटीट्यूड उसके अंदर से लेना है। हर एक चीज इंसान जानवर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हम ले सकते हैं, और अपने अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे हम छोड़ सकते हैं। तो लेना क्या है और छोड़ना क्या है, यह आपको समझ में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो शेर जैसा एटीट्यूड आपके पास में होना चाहिए, किसी पे हमला नहीं करना है लेकिन कोई आप पे हमला करने की सोचे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे यह डर सताना चाहिए। डर किस में रहना चाहिए? उसे यह डर होना चाहिए कि अगर मुझे, मैंने इसे छेड़ा तो यह मुझे नहीं छोड़ेगा। सामने वाले में यह डर होना चाहिए, और डर अच्छी बात, डर बुरी बात नहीं, लेकिन अपने अंदर नहीं, सामने वाले के अंदर होना चाहिए।